सूर्योदय और अवसर में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेकर आपके पास आई हूँ, प्लीज़ पूरा सुनिएगा। एक लड़का है, राहुल नाम का एक लड़का होता है, जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है। वह हमेशा अपने स्कूल में टॉप करता है। तो उसकी 12th की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके शिक्षक बहुत ही आदर सम्मान के साथ उसकी विदाई करते हैं। वह कॉलेज में जाता है और कॉलेज में कुछ गलत दोस्त बना लेता है। उसका पढ़ाई से मन हट जाता है, हमेशा पार्टी करता, हमेशा दोस्तों के साथ घूमने जाता। एक बार उसके फैमिली मेम्बर उसे मना करते हैं कि शायद तुम गलत रास्ते जा रहे हो। वह उन्हें ठुकरा देता है, उनकी बातों को ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर उसके सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट आता है। वह रिजल्ट देख के बहुत ही शॉक हो जाता है और वह अपना रूम में बंद रहने लगता है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब था। वह कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा रिजल्ट इतना ख़राब होगा। वह हमेशा डिप्रेशन में जाने लगता है, हमेशा रूम में बंद रहता था, किसी से मिलना जुलना, घर जाना सब कुछ बंद कर देता है। यह बात उसकी स्कूल के टीचर को पता चलती है। एक दिन वह उसके टीचर उसे अपने घर बुलाते हैं। अब आखिर टीचर ने बुलाया था तो वह जाता कैसे नहीं, और उनके घर जाता है। ठंड के मौसम चल रही होती है, उसके टीचर अंगीठी में बैठकर आग सेक रहे होते हैं। वह भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। उसके शिक्षक क्या करते हैं, अंगीठी से एक कोयले जलता हुआ कोयले का टुकड़ा निकालकर बाहर रख देते हैं। युवा यह चीज़ देखकर बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है और कहता है, अपने शिक्षक से पूछता है कि आपने इस जलते हुए कोयले को बाहर क्यों निकाल दिया, ये तो कितना अच्छा चल रहा था। तो उसके शिक्षक फिर से उस कोयले को उठाकर उस आग में डाल देते हैं और कहते हैं कि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अगर इसे बाहर निकाल दिए तो इस यह बुझने लगा, लेकिन यह ख़त्म नहीं हो गया। अगर इसे हम फिर से डाल देंगे तो यह फिर से अपने आकार में आ जाएगा। तो इसी यही लाइफ है कि अगर हम गलत रास्ते चले गए हैं तो उसको सही बना सकते हैं। अगर हमारे गलत रास्ते जाने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, उसे सही बनाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ हम लोगों की लाइफ में भी होते रहते हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।